So what's up people, today I've got this amazing Steglio 650C components with me और आज मैं इसको इंस्टॉल कराने जा रहा हूँ। तो किया सेल्टोस में ऑलरेडी फ्रंट में और रियर में स्पीकर जाते हैं, लेकिन रियर की जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो अभी मैं इसको सिर्फ फ्रंट में इंस्टॉल करवा रहा हूँ, रियर में हम बाद में देखेंगे क्योंकि उसके लिए फिर एम्प भी चाहिए होगा। तो अभी सिर्फ ये प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम ही है सिंपल नॉर्मली, आगे के फ्रंट डोर्स में डैम्पिंग करवाएंगे और ये जो कंपोनेंट्स है इसको इंस्टॉल करवाएंगे। फिर जल्दी से चल के इंस्टॉल कराता हूँ और आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ। तब तक के लिए जल्दी से आप अनबॉक्सिंग देख लो इसकी। सो गाइज, ऐसा कुछ बॉक्स देखने को मिलता है आपको इसका, स्टेग्लियो 650C, मेड इन इटली है ये। और खोलने के बाद इसको आपको यहाँ पे कुछ बुकलेट देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो आपके स्पीकर्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्विटर। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मैंने चेक की थी, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। इसका जो मैग्नेट है वैसे वो बहुत बड़ा है स्टॉक स्पीकर्स के, स्टॉक स्पीकर्स का मैग्नेट बहुत ही छोटा होता है। अभी जब निकलेंगे इसमें से तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो फटाक से चल के इसको इंस्टॉल करवाते हैं। सो गाइज, अभी जो इसका साउंड है स्टॉक स्पीकर्स पे, उसकी आवाज़ देख लो आप कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे फाइनली पैनल्स खोलने का काम स्टार्ट हो चुका है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें टू लेयर डैम्पिंग करवाएंगे, एक अंदर वाली साइड करवाएंगे और दूसरी बाहर वाली साइड करवाएंगे। और ये आप इसका स्टॉक स्पीकर चेकआउट कर लो कैसा है, इसका मैग्नेट देख लो कितना छोटा सा है। सो गाइज, ये रहा अपना स्टॉक स्पीकर। और अगर हम इसको कंपेयर करें स्टेग्लियो कंपोनेंट से, तो ये इसका स्पीकर है। और दोनों के मैग्नेट चेक कर लो आप कितना ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। तो अंदर वाली साइड भी डैम्पिंग करी है पूरी, और बाहर भी कर रहे हैं अभी। और इसके बाद फिर स्पीकर्स और कंपोनेंट्स लगाते हैं। गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी डैम्पिंग शीट इसकी कम पड़ रही थी इस जगह पे, तो यहाँ पे सीटीके की डैम्पिंग लगवाई है। इनके पास पड़ी थी एक शीट, तो एक शीट लगी है थोड़ी सी यहाँ पे लगी है, थोड़ी सी उस साइड लगी है। तो ये रहा अपना स्टैक का ट्विटर, और जो स्टॉक ट्विटर थे वो ये। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली पूरा सेटअप हो चुका है। यहाँ पे हमारे ट्विटर्स लगे हैं जहाँ पे स्टॉक पहले लगे हुए थे, और नीचे स्पीकर्स लगे हैं दोनों डोर्स में। पीछे का काम अभी कराया नहीं है मैंने, क्योंकि जब एम्प हम इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही जो पीछे कंपोनेंट्स हैं, या फिर कंपोनेंट्स लगने होंगे तो कंपोनेंट्स लगाएंगे, अगर कोएक्सियल लगने होंगे तो वो लगाएंगे। उस टाइम के हिसाब से देखेंगे, जो भी ठीक चल रहा होगा वो लगवा लेंगे। तो गाइस, स्पीकर्स हमारे फाइनली लग चुके हैं, और ये वीडियो मैं 3-4 दिन बाद बना रहा हूँ। और 3-4 दिन तक मैंने साउंड सुनी है गाड़ी की अपने, ऐसा नहीं है कि एक बार में मैंने बस सुन के उसको जज कर लिया। तो अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ तो लाउडनेस पहले से कम हो गई। उसका रीज़न यही है कि पहली बात तो वो स्टॉक हेड यूनिट पे चल रहा है वो, और एम्प अभी उसमें इंस्टॉल नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं क्लैरिटी की बात करूँ तो क्लैरिटी बहुत बढ़िया हो गई है। और ट्विटर्स की जो आवाज़ है, मैंने और भी ट्विटर्स की आवाज़ सुनी है, वो ना कानों को चुभती आवाज़, लेकिन इसके जो ट्विटर्स हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी आवाज़ चुभ नहीं रही है कानों को, बिल्कुल क्लियर साउंड आ रहा है। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़े, और पहले फ्रंट कॉम्पोनेंट्स आप लगवा सकते हैं, उसके बाद आप एम्प लगवा सकते हैं रियर कॉम्पोनेंट्स के साथ, या फिर अगर आपको कोएक्सियल लगवाना है तो आप कोएक्सियल के लिए भी जा सकते हो। तो अगर मैं बजट की बात करूँ तो जो बजट अराउंड आया वो 15,000 आया, क्योंकि सिर्फ फ्रंट कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए और फ्रंट टू दोनों डोर्स में टू टू लेयर डैम्पिंग हुई है, और कुछ इतना कुछ काम हुआ नहीं है। बाकी जो भी काम था कपलर टू कपलर हुआ है, कोई वायर कटिंग नहीं, कोई तार के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नई थी। और आगे अब मैं 2-3 महीने बाद अपना जो एम्पलीफायर है उसको इंस्टॉल करवाऊँगा कोएक्स के साथ, या फिर अगर कंपोनेंट्स लगने होंगे तो कंपोनेंट्स लगवा लेंगे। सब वूफर की मेरे को लग नहीं रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनका खुद का बेस काफ़ी अच्छा है स्टैक का। और बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ लगाने से उसका आउटपुट कैसा आ रहा है। जैसे कि मैंने स्पीकर्स लगवाए तो मेरे को पता है कि बिना एम्प के जो स्पीकर्स का जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेज में अगर मैं एम्प इंस्टॉल करवाता हूँ उसमें, तो मेरे को वो भी पता रहेगा कि एम्प ने स्पीकर्स को कितना इन्हेंस किया है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपने एक बार में पैसे लगाने तो आप वो भी कर सकते हो। और जल्दी से चल के मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं।
आई होप आपको साउंड पसंद आया होगा। सो बिना एम के था ये साउंड, बिल्कुल रॉ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।